पाकिस्तान जापान इंटेलेक्ट फोरम के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर व कन्वीनियर AOTS जापान स्टैंडिंग कमेटी ऑन जापानीज लैंग्वेज क्लासेस राजा उमर नवाज की लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स और जापान के जेर एहतमाम होने वाले अहम इजलास में खुसूसी शिरकत। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में होने वाले इजलास के मौके पर जापान एम्बेसी के कौंसलर हेड व डिप्यूटी हेड ऑफ मिशन जापान यूजी इवासाकी, चेयरमैन AOTS जापान नबील हाशमी, नायब सदर पाकिस्तान जापान इंटेलेक्ट फोरम सतारा आरिफ, कल्चरल एडवाइजर जापान एम्बेसी मोहम्मद राफी समेत दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। जबकि तकरीब के मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स मियां रहमान अजीज चंद, नायब सदर हारिस सतीक समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद तकरीब के मौके पर मौजूद थी। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में जापानी ऑफिशियल्स के साथ होने वाली तकरीब के मौके पर सीनियर बिजनेस लीडर राजा उमर नवाज ने पाकिस्तान और जापान के माबैन दोस्ताना और तजारती ताल्लुकात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। जबकि पाकिस्तान में जापानी लैंग्वेज समेत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर तफसीली आगाही दी। तकरीब के मौके पर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स और जापानी ऑफिशियल्स के माबैन बाहमी तजारत और आपसी जुबानों को सिखाने समेत दीगर अहम उमूर पर MOU भी साइन किया गया। राजा उमर नवाज ने जापान हेड काउंसलर को जापान पाकिस्तान बाहमी दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की। तकरीब के मौके पर सीनियर बिजनेस लीडर राजा उमर नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और जापान के माबेन गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती व बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए भरपूर इकदामात उठाएंगे। पाकिस्तान जापान इंटेलेक्ट फोरम PJIF की तरफ से आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोग आए और एक डेलीगेशन की सूरत में आए, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो कावासाकी साहब थे, डिप्टी हेड ऑफ मिशन जापान एम्बेसी, और मैडम सितारा आरिफ थी जो PJIF की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ऑनररी कौंसल नदीम शाह साहब स्पेशली ही केम अक्रॉस फ्रॉम क्वेटा। और हमारा जो इस मीटिंग का मकसद था वो इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए जापानीज लैंग्वेज को प्रमोट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और बाइक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए जापान के साथ कोलेब्रेशन और जापानीज लैंग्वेज और इस कल्चर को सीखना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदर दैन चाइनीज लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज वी आर ऑलरेडी डूइंग इन पाकिस्तान, तो जापान लैंग्वेज जापानीज लैंग्वेज को भी हमें प्रमोट करना है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें फायदा हो सके। आप भी जस्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान जापान इंटेलेक्ट फोरम, सो इनफैक्ट वी आर प्रमोटिंग द जापानीज लैंग्वेज एट बिजनेस लेवल स्पेशली इन LCCI, बिकॉज द बिजनेसमैन इनफैक्ट दे जस्ट नीड टू हैव द सर्टन कम्युनिकेशन स्किल, सो दैट कम्युनिकेशन स्किल इफ दे आर इंटरेस्टेड फॉर जस्ट डूइंग द बिजनेस इन जापान दे हैव टू लर्न दिस स्किल अनलेस और अंटिल दिस कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी मीन ऑफ कम्युनिकेशन, दे शुड लर्न एंड दिस गैप शुड बी फिल्ड अप इन वन वे और अदर वे, अदरवाइज द थिंग्स वॉन्ट बी जस्ट गोइंग द वे दे एक्चुअली वॉन्ट, बिजनेस वॉन्ट बी ग्रो, वॉन्ट ग्रो फर्दर, पीपल वॉन्ट ग्रो फर्दर साइड बाई साइड विद द बिजनेस, ट्रू बिजनेस एथिक्स वुडन बी एबल टू जस्ट नोइंग अबाउट, सो आई वुड डेफिनेटली बी एडवोकेटिंग एंड प्रेसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट अनलेस और अंटिल बिजनेस मैन वॉन्ट बी एबल टू जस्ट गो फर्दर विद दिस अडॉप्टिंग द लैंग्वेज दे वुडन बी इंडिपेंडेंट इन देयर बिजनेस।